7 दिसंबर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अभी हम बिजनौर इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गंगा है, बड़ी सुंदर गंगा। और जहाँ तक नज़ारा आप देख सकते हैं, नीला नीला नज़ारा है, बहुत ही प्यारा ये जो व्यू है, बहुत ही प्यारा है। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि एक हमारे यूट्यूब के पर साथी ने कमेंट्स किया था, एक फैमिली है यहाँ पर नगीना, यहाँ पर एक गांव है, वहाँ पर एक फैमिली है, बेहद ही ज़्यादा गरीब फैमिली है। और उस गरीब उस फैमिली में 5 बच्चे हैं और एक हस्बैंड वाइफ है। और अफसोस की बात है कि 5 बच्चे और जो उनकी घर में महिला है वो बोल नहीं सकती ज़बान से, और या यूँ कहें कि गूंगी हैं वे। और बहुत ही दुख की वो घड़ी थी जब मुझे किसी ने उनकी वीडियो भेजी और कहा कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो अभी मैं एक हमारे साथी हैं अज़र भाई, वो यहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको लेके चलूँगा उस जगह पर। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं नगीना और उस फैमिली से मिलेंगे, और इंशाल्लाह जो भी हमसे मदद होगी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी मदद करेंगे। और आपसे भी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप भी आगे बढ़िए और लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ही हमारी मदद के हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चले थे सुबह दिल्ली से, और दिल्ली से चलते चलते यहाँ हम आ पहुँचे हैं बिजनौर के इलाके में। और ये गांव, एक कस्बा पड़ता है नगीना। नगीना में इस वक्त हम पहुँचे हैं और करीबन 5:30-6 बज चुके हैं, शाम का वक्त हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम उसी परिवार में के पास जा रहे हैं, जिस परिवार का मैंने आपको बताया था, यही वो परिवार है। और इस परिवार की आप देख सकते हैं माली हालत कैसी है, बेहद ही कमज़ोर माली हालत है। और सिर्फ ये इन लोगों ने यहाँ पर एक दुकान छोटी सी सजाई हुई है, और इस दुकान से ही इनका जो खर्चा है जो चलता है। और ये परिवार है, आप बोल नहीं पाते, नहीं बोल पाते, आप भी नहीं बोल पाते, पूरा परिवार गूंगा बहरा है। अच्छा, आइए आप इधर आइए। तो ये क्या पूरा परिवार इनका क्या बोल नहीं सकता क्या? ये गूंगे बहरे है, सिर्फ इनका हस्बैंड बोल सकते हैं। अच्छा। और बेरोजगार है बेचारे, बहुत टाइम से परेशान है, और खाली इस चीज से गुजारा चल रहा है इनका जी। तो ये क्या पूरा परिवार सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता? कुछ नहीं, सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। बच्चा बोलता है इनका, बस लड़का लड़का है, लड़का छोटा है, वो छोटा मतलब। आप भी बेटी उनकी, ये देखिए बेहद अफसोस है और दुख भी होता है कि पूरा परिवार है और पूरे परिवार को ऊपर वाले ने ज़बान नहीं दी, सो बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। ये क्या नाम है बेटा? अच्छा, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते, नहीं नहीं बोलते। तो ये कितने लोग हो आप? ये पूरा परिवार, आप भी, आप आप भी नहीं बोलते, नहीं 5-7 ये आप बेटी उनकी 7 है भाई सर। अच्छा अच्छा, आपके 2 बच्चे हैं, आप इनकी, ये आपकी बेटी है? तो ये बच्चे जो बोलते हैं आपके, ये बोलते हैं तो? अच्छा, ये लड़का है तो घर? अच्छा, लड़की है तो घर की खर्चा कैसे चलता है? कैसे चलता है इनका घर का खर्चा? बेरोजगार है, खाली इस दुकान के ऊपर डिपेंड रखते हैं, सिर्फ ये दुकान, ये दुकान के ऊपर जो भी चलता है इसी चीज से खर्चा चलता है। बाकी और कोई इनका करने वाला नहीं है। इनके जो है दिमागी तौर पे इनका हस्बैंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, चलो 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 घर चले, एक बार घर देखें आप पर हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए सर्वे करो। लोगों के पास जमीन भी अपनी नहीं है, हमारे ये जमीन भी अपनी नहीं है बेचारों। हाँ
आप लोग सहारा हम लोगों का, आप लोग ने बताया। तो पूरा परिवार आप यहीं रहते हो? है पूरा पूरा ही है, पूरे परिवार यहीं रहते। कुछ प्लास्टिक व्लास्टिक का कुछ लोगों ने इंतजाम किया है, कुछ लोगों ने ठंड की वजह से लिहाफ विहाफ का इंतजाम किया है। लोग जी जी अभी फाइनेंशियली कोई इतना वो मजबूत नहीं है, नहीं है बहुत। अच्छा, जो उनके शोहर है वो कैसे काम क्या करते हैं? मुझे मैं बताऊं आपको, उनके जो है दिमागी डिस्टर्ब थे, दिमागी डिस्टर्ब है थोड़े से, ना तो कुछ काम करवाते हैं बेचारे, जो भी करते हैं उस दुकान से गुजारा करते हैं सब फैमिली वाले जी, बस और कुछ नहीं। बोल नहीं पाते, वो भी नहीं, वो बोल पाते, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, बस दिमागी तौर पे डिस्टर्ब है मतलब थोड़ा सा। बोल तो इनको ये क्या, ये जन्म से ही ऐसे हैं? ये लोग जन्म से खाली हस्बैंड ठीक थे पहले, क्या वो अभी थोड़ा सा माली हाल खराब हो गई है, जाके डिस्टर्ब हो गया है। तो इनकी जो वाइफ थी वो बोलती थी पहले? नहीं नहीं, जन्म से ऐसी वाइफ ऐसी है, बच्चे भी ऐसे हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम टोटल नहीं अच्छी। और दिल्ली से आए हैं हम करीबन 200 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद, और वाकई में लगा कि हाँ ऐसे लोगों को ज़रूरत है हमारी। और हम बेसिकली एनजीओ रन कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई एनजीओ रन नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल अपने से मैं सहाफ़ी हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो मेरा प्रोफेशन है मैं इस प्रोफेशन से जितना भला हो सके, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी कौम का हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो मुझे अल्लाह ने दी है ताकत दी है मैं उससे हेल्प कर सकूँ। मेरी कोई एनजीओ नहीं है और मैं कोई एनजीओ नहीं चलाता, सिर्फ मैं अपने समाज सेवा के लिए जो होता है वो सपोर्ट। बड़ी बेटी है? अच्छा, सुनाई नहीं? पीवे पीवो दारू। इनके हस्बैंड आते हैं? अच्छा, दो से शादी करी है। अच्छा, लड़की है ये? अच्छा अच्छा, एक बच्ची और है इसकी वाली, दो बच्ची इसी की। इसका पहला शोर मर गया, दूसरा शोर काम करने गया, इंतकाल हो गया पहले शोर का। क्या नाम रखा है इसका? नाम क्या है? देखिए, ये पूरा परिवार इसी घर में रहता है, और घर की आप देख सकते हैं दीवारें तक नहीं है, ये दीवारें नहीं है, ये सिर्फ एक ये कपड़े की एक दीवार बनाई हुई है, और उसके पीछे तमाम जो घर है तमाम चीज़ें और कुछ भी दीवार के नाम पर यहाँ नहीं है, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ इन लोगों ने अपना रहने के लिए एक थोड़ा सा ये घर बनाया हुआ है, और तमाम ये जो इलाका पीछे इलाका है जो अभी दिख नहीं रहा आपको, वो खेत हैं। पूरी हवा आती है, सर्दी का मौसम है, जनवरी का मौसम है, और आप देख सकते हैं ये तमाम ये इसी घर में अपना गुजारा कर रहे हैं। 7 लोग हैं, 7 मेंबरान हैं, जिसमें से 6 लोग बोल नहीं सकते, इनकी बेटी है, बेटी भी नहीं बोल सकती, बेटी की शादी की थी पहले हस्बैंड की, इंतकाल हो गया, फिर दूसरी शादी की, दूसरा हस्बैंड भी इनको छोड़ के पता चला है कि वो इधर उधर रहता है, और तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये बस एक हमारे दोस्त थे, और उन्होंने बताया था कि ये नगीना बिजनौर में पड़ता है कि एक परिवार है, उनकी हेल्प करने के लिए आए, तो हम दिल्ली से आए हैं हेल्प करने के लिए, और पुरजोर कोशिश करेंगे इस पूरे परिवार की कि मदद की जाए, इनको घर दिलाया जाए, या जो भी हमसे मदद हो सकती है इंशाल्लाह हम करेंगे। शाबाज, आपकी मम्मी है? हाँ। अच्छा, आप बोल लेते हो? तो शाबाज, घर में कितने भाई बहन हो आप? मैं 7। 7 लोग हो? तो ये बचपन से नहीं बोलते ये छोटे जो भाई बहन है आपके? ना, कोई भी ना बोलते। तो जर्सी पहन के आप भी लेके आए, उसमें देख के आओ जर्सी पहनो। इसके पास अपनी जर्सी भी नहीं थी, और बस यही कोशिश करिए थोड़ी सी कि ऐसे लोगों का दर्द बांटा जाए और खुशी दी जाए उनके चेहरे पे। अभी ठीक आ रही है, साइज़ ठीक है तुम्हारी जर्सी का? ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो ये भी मम्मी को दे दे जाके, ना लेडीज है ये। तो सब बता रहे
ये आपका एक डेढ़ महीने का राशन है, ठीक है, खाने के लिए दाल है, चीनी, आटा, सब चीज़ है इसमें, ठीक है। तो आराम से रहिए ना, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना तुम तो? मैं तो बोलता भी है, बोलते हो ना, तो इसमें आपका तुम्हारा सब ये दालें वाले सब मसाले वसाले सब हैं, चाय की पत्ती भी है, ठीक है। देखिए अभी हम यहाँ पे आए थे तो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, उसके साथ साथ घर में खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, घर में खाने तक के जो राशन नहीं है। अभी हमने कोशिश की है कि घर में एक दो महीने का राशन भरवाया जाए और इंशाल्लाह इसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपके नहाने के लिए ना सब, ये तेल वगैरह और ये शैम्पू वगैरह, ठीक है, वो करने के आपके लिए है ना, और ये आपके लिए, ठीक है, चीनी है, आटा, सब चीज़ है, ठीक है ना, ये मसाले हैं, ठीक है, ये साबुन कपड़े धोने के लिए ना, ठीक है, और हिम्मत नहीं आनी है ना, उससे मांगने, अल्लाह से मांगने, ऊपर से दुआ करनी है ना, वो उसने भेजा है मैं दिल्ली से यहाँ पे, ठीक है ना, करने वाली जात उसकी है, ठीक है, तो दुआ करनी है अल्लाह से ना, वो अजान हो रही है, नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ते हो ना, नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ के रोड़े, हमारे लिए भी दुआ करनी है, सबके लिए दुआ करनी है, जो लोग आपको मदद कर रहे हैं ना उनके लिए, सबके लिए दुआ करनी है, ठीक है। और ये कुछ कांटे का और है ना, ये कुछ पैसे हैं आपके, ठीक है, ये रख लीजिए खर्चे के लिए, ठीक है, और उसके बाद अरे भाई अपना देख कितने हैं, तीन ना, इनको हर महीने 1,000 रुपये आप दे देंगे अपने पास से, मैंने आपको दे दिया, ठीक है, आप तीन महीने तक एक हज़ार लिखना, ठीक है, आपको हर महीने एक, हाँ 1,000, ठीक है, ये देंगे आपको, और उसके बाद में फिर हम आएंगे इंशाल्लाह, दुआ करना, ठीक है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों की मदद कीजिए, बढ़ चढ़ के आगे आइए, और तो इन लोगों को बेहद ज़रूरत है आपकी मदद की, आप जैसे लोगों की मदद की, इनके पास अपना घर भी नहीं है, सरकार के द्वारा जो डूडा विभाग से घर मिलता है शायद वो भी इनको नहीं मिल पाया, और आप भी सर कोशिश कीजिए थोड़ी सी कि इनको वो इनका मकान मिले, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इनका जो अगर आप ज़मीन देते हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश बनवाने करेंगे उसके साथ में, नहीं कोई मत नहीं, कोई 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 बात नहीं, आप रख लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इनको हर वो, ठीक है ना, आप ये जिम्मेदारी हमारी पकड़ होगी एक दिन, अगर हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है और हमारे घर में सालन बन रहा है ना, तो एक दिन अल्लाह ताला पकड़, कि मदद की जाए, इनको घर दिलाया जाए, या जो भी हमसे मदद हो सकती है इंशाल्लाह हम करेंगे। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने आसपास देखिए, आपके आसपास आपके अतराफ में अगर ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जिनको आप और हम हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।